हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार संडे के शाम को मैं संडे कमेंट्री स्पेशल वीडियो लेकर के आता हूँ। इस बार के संडे कमेंट्री स्पेशल वीडियो के लिए भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिजली मीटर और उसके भुगतान के संबंध में भी कमेंट है, मानदेय के संबंध में भी कमेंट है। चलिए इस सप्ताह का पहले क्वेश्चन क्यों आते हैं, उसके पहले इस बीच जो भी लोग नए जुड़े उनको मैं बता दूं, संडे को शाम को संडे कमेंट्री स्पेशल इस प्रकार का एक स्पेशल वीडियो होता है जिसमें आप लोगों द्वारा पिछले एक सप्ताह में जो भी जरूरी कमेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए हो तो जहां भी क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर संडे कमेंट्स में दे ताकि उसको सर्च करके वीडियो मिलाना आसान हो पाए। तो संडे कमेंट्स वीडियो के लिए आज का पहला कमेंट जो है लिखा गया अतुल भाई, हम सहायिका हैं, कैमूर जिला से हैं, मेरी सेविका सस्पेंड हो गई है, 12 साल हो गया है, हम बच्चों को खाना के लिए खाना बनाते हैं, पढ़ाते भी हैं, हम बच्चों को सब शिक्षा प्रदान करते हैं, हम इंटर किए हुए हैं भाई, बहाली नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान, इसमें हम क्या करें भाई, प्लीज़ बताएं। देखिए सबसे पहली बात कि सहायिका के तौर पर आप 12 वर्ष से काम कर रही है तो ये आपके लिए पॉजिटिव बात है। जब भी इस केंद्र के लिए सेविका की बहाली होगी तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, बोनस पॉइंट मिलेगा अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले, आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। इसके अलावा आपने इंटर कर रखा है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपने कर रखा है तो आपको इसका भी फायदा मिलेगा। बाकी बहाली कब होगी कैसे होगी इसकी सूचना आपके ICTS ऑफिस से मिलेगी। आपके ज़िले में जब आसपास के सभी रिक्त पदों पर बहाली होगी तो आपके यहाँ भी केंद्र पर सेविका की बहाली हो जाएगी। इसके लिए आपको कनेक्ट रहना होगा, मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं ज़रूर बता दूंगा, अन्यथा आपको जो है अपने ICTS ऑफिस से हमेशा कनेक्ट रहना होगा क्योंकि बहाली होगी तो आपको आवेदन ज़रूर करना है और निश्चित तौर पर आपका जो है बहाली होगा क्योंकि आपको बोनस पॉइंट भी मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट सरवर आलम नाम से आया हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ, अतुल जी मेरे इलेक्शन ड्यूटी 25 मई को थी, कितना पैसा मिलता है, मुझे 350 रुपये मिला है, संडे कमेंट बताएं, सरवर सेविका सिवान। देखिए आपने बिल्कुल सही बताया, आपके यहाँ छठे चरण में सिवान जिले में मतदान था 25 मई को, एक दिन की ड्यूटी के लिए प्रत्याशी महिलाओं की पहचान के लिए 350 रुपये देने का प्रावधान है जो आपको मिल गया है, यानी आपके यहाँ काम बहुत जल्दी हो चुका है। अगर आप एक दिन से ज़्यादा काम आपसे निर्वाचन आयोग लेता है तो एक दिन के लिए 350 रुपये जोड़ करके आपको मिलता है, वो प्रधानसी महिलाओं की पहचान करने के लिए इतना ही रेट है। नेक्स्ट कमेंट कुंदन कुमार नाम से आया हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है कि अप्रैल और मई का मानदेय कब आएगा, संडे कमेंट में बताएं, छपरा बिहार। देखिए अप्रैल और मई का मानदेय जो है, अभी मई का तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि मई का महीना अभी जो है बीते हुए मात्र 2 दिन हुआ है, इसलिए इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। बहुत सारे परियोजनाओं में अप्रैल का मानदेय जो है सिर टू हेड क्वार्टर तक पूरा डिटेल भेजा चुका है, हालांकि वहां से पैसा अभी बैंक तक नहीं आया है, अप्रैल के लिए आपको इंतजार करना होगा, मई में भी बहुत टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट कमेंट किराए के संबंध में आया हुआ है, लिखा गया है कि अतुल जी संडे कमेंट में बताइएगा कि कितना किराया आता है। देखिए किराए के लिए जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नियम व शर्तें होती हैं। सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपका आंगनवाड़ी जो चलता है वो किस क्षेत्र में चलता है, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी में भी एक नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, तो उस हिसाब से। और इसके अलावा आपके आंगनवाड़ी केंद्र जो आपने किराए पर ले रखा है जिस जगह के लिए, उसमें जगह कितनी है बच्चों के लिए, खाना बनाने के लिए, खेलने के लिए वगैरह, इन दो चीज़ों को देख कर किराया मिलता है। किराया आपको मिनिमम 1000 से लेकर के मैक्सिमम 2000 तक मिल जाता है। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट काफ़ी लंबा आया हुआ है, मैं जूम करता हूँ, आपको एक चीज़ें समझाता हूँ। रियाज अहमद नाम से आया हुआ है, लिखा गया है कि अतुल जी भोजपुर जिला के उद्वंत नगर परियोजना में पिछले कुछ समय पहले विभागीय अधिकारियों के आदेशानुसार केंद्र पर विद्युत कनेक्शन के लिए बोला गया, ऑनलाइन भी कराया गया था, तब ये काम बताया गया था कि केंद्र पर विद्युत आपूर्ति कुछ यूनिट फ्री में विभाग के द्वारा मिलेगा और केंद्र पर बिजली विभाग के द्वारा मीटर भी लगा दिया गया सेविका के नाम से। अब एक महीना बीत जाने के बाद उस मीटर का बिल विभाग द्वारा भेजा गया है, जबकि मीटर जो है मात्र जो है केंद्र पर लगा है, उस पर किसी प्रकार का कनेक्शन भी नहीं किया गया, तब बिल लगभग 1000 ज़्यादा आ गया है और बिजली विभाग से बिल जमा करने का रिमाइंडर भी आ रहा है। पूरे परियोजना की सेविका पेशोपेश में है कि बिल कौन भरेगा, इस पर परियोजना विभाग भी मौन है, कोई चीज़ सलाह दे संडे कमेंट में। सबसे पहली बात कि विभाग का ही ये ऑर्डर था कि सभी सेविकाओं के केंद्र पर जो है वो बिजली कनेक्शन दिया जाए,
मैंने डिटेल में लेटर बताया था आज से 3-4 महीने पहले कि सभी केंद्र पर जो है सरकार की ओर से 50 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी या फिर इसका पेमेंट सरकार की ओर से किया जाएगा। एक महीने में अगर 50 यूनिट बिजली से ज़्यादा खर्च होता है तो इसका पैसा सेविका अपने तरफ से देगी। लेकिन आपको ध्यान देना था कि ये जो कनेक्शन था वो कमर्शियल कनेक्शन था जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जाना था। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि आपको 180 रुपये जो है वो निश्चित तौर पर जो है वो हर महीने लगेंगे, चाहे आप 1 रुपये का भी बिजली यूज करें या नहीं करें, 180 रुपये आपको हर महीने लगेंगे। इसके अलावा 50 यूनिट बिजली का पैसा सरकार अपने तरफ से देगी। अब आपने जैसे लिखा हुआ है कि केंद्र पर बस मीटर लगा है, कनेक्शन नहीं किया गया, लेकिन 1000 ज़्यादा का बिजली का बिल आ गया है, तो इसका पैसा कौन देगा? देखिए, इसके लिए आपको अपने ऑफिस में ये बताना होगा कि बिजली बिल के लिए जो है यहाँ पर रिमाइंडर आया हुआ है पेमेंट करने के लिए। सरकार का नियम है कि 50 यूनिट बिजली वहाँ से फ्री मिलेगा। बाकी का जो पैसा है वो कुछ खर्चा, मीटर का खर्चा, कनेक्शन का वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो विभाग के द्वारा पेमेंट की जाती है। हालांकि 1000 रुपये बिजली बिल नहीं आना चाहिए। अब क्यों आया हुआ है, किस प्रकार का खर्चा है, वो बिजली विभाग कर्मचारी आपकी जाँच करेंगे तो मालूम चलेगा। बाकी पेमेंट के लिए आपको ऑफिस में एक बार बता देना है। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चन कमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उससे आपको कुछ न कुछ नॉलेज मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट होते हैं लेकिन सारे क्वेश्चन कमेंट मैं कवर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो जिनका भी क्वेश्चन कमेंट छूट गया उनके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी क्वेश्चन हो सीधे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, दोनों का लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।